वालेकुम कैसे हैं आप सब जी तो आज मैं जी बना रही हूँ पाँच मुहर्रम की न्याज़ और न्याज में जी आज बनाऊँगी मैं खीर तो खीर के लिए मैंने ना दोपहर को दूध मंगवा के रख लिया था तो कुछ मेरे पास पहले का पड़ा था एक दिन पहले का चावल भी मैंने भिगो के रखे हुए तकरीबन दो तीन घंटे हो गए हैं तो दूध मेरे पास है तकरीबन नौ किलो छः किलो मैंने बाहर से मंगवाया तीन किलो मेरे पास पड़ा था तो टोटल मिला के ये नौ किलो दूध की जी मैं खीर बनाऊंगी और चावल मैंने इसमें डाले हैं तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा तो जी यहाँ पे मैंने दूध वग़ैरह बॉईल करके सारे रखे हुए हैं और चावल भिगो के रखे हुए हैं तो ये बड़ा देखचा ले लिया मैंने इसमें मैंने पानी डाला और इसमें चावल जो भिगो के रखे हुए हैं वो डाल दूँगी चावल जब अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगे फिर इसी पानी में मैंने उठा के दूध डाल देना जो कि मैंने पहले से बॉयल करके रखा हुआ है कुछ लोग चावल ग्रैंड करके डालते हैं तो कुछ ऐसे ही बना लेते हैं तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि चावल पहले से भिगोए हुए हैं तो वो ग्रैंड करने की ज़रूरत ही नहीं है तो बस इसको हम सिंपल दूध में पकने के लिए छोड़ देंगे और यहाँ पे देखें जी मैंने लजीज़ा खीर मिक्स के दो डब्बे लिए हैं ये भी इसी में जाएंगे चावल मेरे बॉयल हो गए हैं तो अब मैं इसमें डालूँगी दूध तो फिर जी ये मैं बना रही हूँ शाम को जब छः बजे गैस आई थी तो मैंने फ़ौरन ही बनने के लिए रख दिया था मैंने कहा ये फटाफट से फिर रात को बना के तो सुबह को मैंने ये बांटनी थी फिर मैंने कहा ठंडी हो जाएगी अगर मैं सुबह का वेट करती तो तकरीबन दोपहर के बारह बजे गैस आती है तो फिर आप देखें कि वो तीन साढ़े तीन का टाइम हो जाता है कब बननी थी कब ठंडी होनी थी फिर इसीलिए मैंने एक रात पहले ही बना के ना ये रख ली तो तकरीबन जब ये बन गई दस ग्यारह बजे फिर इसको हमने उठा के ए सी वाले रूम में रख लिया सारी रात ए सी वाले रूम में पड़ी रही तो बहुत मज़े की बनी थी तो ये जी मैं बना रही हूँ कैरमल खीर तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ और बहुत अच्छी बनी थी मैंने भी फर्स्ट टाइम ही बनाई है और इतनी मज़े की बनी ना जिस जिसने भी खाई थी माशाल्लाह बहुत सब ने पसंद की थी तो ब्लॉग आपने पूरा देखना है और मुहर्रम के दिन है तो जितनी भी हो सके जितना भी हमें हिम्मत हो जितना हमारा बजट हो तो कुछ ना कुछ नहाज़ देनी चाहिए बच्चों में बांटनी चाहिए तकसीम करनी चाहिए तो आज ही है पाँच मुहर्रम तो मैं आज पाँच मुहर्रम की नहाज़ बांट रही हूँ तो अब आगे देखें इन जो होगा प्लान फिर वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी यहाँ पे जो मैंने बाज़ार से दूध मंगवाया था वो पहले डाल दिया फिर जो मेरा घर का जो बॉयल किया हुआ था वो फिर इसमें मैंने डाल दिया तो फिर इसके उस अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पकाना शुरू करते हैं और फिर इसके बाद ही देखे मैंने यहाँ पे लजीजा खीर मिक्स के दोनों पैकेट इसमें डाल दिए अब ये भी साथ साथ पकते रहेंगे और साथ साथ हमारी खीर बनती रहेगी और मेरे पास पड़े थे ड्राई फ्रूट जो कि मेरे हस्बैंड दुबई से लेके आए थे तो वो अभी तक मेरे पास पड़े थे और बिल्कुल फ़्रेश हैं और बहुत अच्छे हैं बहुत मज़े के हैं तो फिर ये भी मैं ग्रैंड करके रख लूँगी यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे बादाम लिए हैं तो उनको मैं ग्रैंड करके रख लूँगी ये अभी मेरे पास पिस्ते वगैरह और ये काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं तो सबसे पहले जी मैं करूँगी बादाम को ग्रैंड करके तो वो आप देखें कि वो फिर मैं कब डालूँगी खीर में और इतनी मज़े की खीर बनेगी ना तो आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा बना के ज़रूर देखिएगा इस तरीके से तो बहुत ही अच्छी बनी थी और यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा बादाम ले लिए थे तकरीबन ये एक बॉ बन गया था छोटा वाला बॉल ना तो इसको अब देखें मैं अच्छी तरह से ग्रैंड कर लूँगी ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना तो ये बस नॉर्मल सा दरम्याने इस ना बन जाए तो ये देखें ये वाली फ़ॉम इसकी होनी चाहिए तो ये जब हमारी खीर बिल्कुल बनने के मतलब करीब करीब होगी तब हमने इसमें ये पिसे हुए बादाम डाल देने हैं साबुत मैंने इसलिए नहीं डाले मैंने कहा बच्चे निकाल के फेंक देते हैं खाए नहीं जाते तो ये ऐसे बना के ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और वो खीर में जब पक जाते हैं ना तो उससे और भी अच्छा इसका फ्लेवर आता है तो ये देखें जी तकरीबन एक प्याली ये बादाम है तो इसको ग्रैंड कर के अभी मैं रख लेती हूँ साइड पर तो बाकी काम देख लेते हैं तो अब ये जो ब्लॉग है ना ये मेरा थर्सडे का है मतलब कि जुमेरात की रात को मैंने बना के खीर रख ली थी फिर ये मैंने दूसरे दिन फ्राइडे वाले दिन ना बच्चों में तकसीम की थी जी तो यहाँ पे देखिए बादाम हो गए हैं रेडी तो चीज़ें पहले से तैयार करके रखी हो ना तो फिर इतना मसला नहीं होता फिर फटाफट ये होता कि जल्दी जल्दी से कुकिंग हो जाती है कोई भी काम हो ना तो यहाँ पे भी मैंने देखे ना ये वाला जो एक डब्बा है ना स्टील का जी पानी पीने वाला ये तकरीबन तो एक एक किलो का है ये तो इसमें इसमें मैंने एक किलो चीनी डाली है भर के लेकिन वो चीनी कम थी फिर मैंने हाफ डब्बा और एक भर के डाला तकरीबन तो ये डेढ़ किलो चीनी चली गई है तो थोड़ी सी मैंने लाइट रखी थी क्योंकि अभी मैंने जो कैरमल इस बना के इसमें डालनी ज़ाहिर सी बात है वो भी चीनी की बनेगी वो भी फिर उससे ना बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा मीठा इसीलिए मैंने ना स्टार्टिंग में थोड़ी सी ना चीनी कम रखी है तो खीर जी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है अलहमद अब मैं इसमें डालूँगी बादाम पिसे हुए तो फिर इसके बाद जो गार्निशिंग होगी वो इन वो मैं कल करूँगी क्योंकि अभी तो ये बना के रात को मैंने रख लेनी है फिर ये जब बन गई फिर इसको उठा के हमने रात को ए वाले रूम में रख लिया सारी रात ये रूम में पड़ी रही तो फिर दूसरे दिन जी हमने बांट दिए तो ये देखें जी यहाँ पे आके आपने बस बादाम जब डालने हैं तो आपने इसको फ़ौरन हिलाते रहना है ताकि इसकी गुटलियाँ ना बने तो फ़ौर फ़ौर आपने ना चम्मच चलाना है तो साथ ही दूसरे चूल्हे पे भी मैंने एक पैन रखा तो उसमें मैंने हाफ़ प्याली चीनी की डाली है तो जो कि के मैं कैरमल बनाऊँगी इससे चीनी डालने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला है मतलब ड्रॉप लगा लें आप दो तीन ड्रॉप लगा लें चार पाँच लगा लें इतने की बनते हैं तो ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना क्योंकि फिर वो जाहिर सी बात है चीनी मेल्ट हो जाएगी और वो शीरा बन जाएगा ये देखें बस ये एक चम्मच लगा लें बस एक चम्मच पानी का मैंने डाला है तो इसी में इसने अच्छी तरह से मेल्ट हो जाना और इसी में आपने इसको कैरमल बनाना है तो जब ये बनने पर आती है ना तो आपने घबराना नहीं है पहले इसने ऐसे ड्राई होना है फिर इसकी ऐसे गुठलियाँ सी बननी है मैं भी डर गई थी मैंने कहा पता नहीं खराब होगी ये मैंने कहा अगर ख़राब भी होगी तो इसको मैं ज़ाया कर दूँगी बस लेकिन ये है कि तजर्बा तो मेरा ठीक रहा मैं भी फ़र्स्ट टाइम ये बना रही थी तो लेकिन बहुत अच्छी बनी है तो यहाँ पे देखें चीनी आपने हिलाते रहना ताकि जले ना और इसको इसके बाद ये देखें ना इसकी ऐसे गुटलियाँ जी ना हार्ड सी हो जाएगी ये ये देखें ऐसे हो जाएगी ये तो इसके बाद इसकी असल जो शक्ल है ना वो इसके बाद निकलनी है तो जैसे जैसे ये मेल्ट होगी वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज होगा तो यहाँ पर आके देखें ऐसे लग रहा है जैसे गुड़ को मेल्ट किया लेकिन ये वही चीनियाँ जो अभी मैं आपको दिखा रही थी आज अपने बिल्कुल हल्की रखनी है ताकि ये जले ना तो बस कलर हमें यही चाहिए यहीं पे आके फिर मैंने बस इसको चूल्हे को बंद कर देना है क्योंकि चीनी अब मेरी बिल्कुल मेल्ट हो गई है तो कलर भी जो मुझे चाहिए था वो सेम वही कलर आया तो अब इसको उठा के जी मैं डाल दूँगी खीर में तो ये देखें जी हमारी कैरमल खीर रेडी हो गई है और बहुत मज़े की बनी थी बहुत टेस्टी बनी थी माशाल्लाह सब ने खाई बहुत मज़ा आया तो बहुत अच्छा टेस्ट था बहुत डिफरेंट थी ये देखें जी ऐसे उठा के आपने खीर में डाल देना और बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि जब ये डाला था तो इसके ना बबल से ऊपर उठ रहे थे तो हाथ जलने का खतरा होता है तो आपने आराम आराम से डालना है उसके बाद मैंने पूरा पैन जो है वो साफ़ करके खीर में डाल दिया था उसका कलर भी बड़ा ही प्यारा हो गया था इसका जायका भी बहुत ही अच्छा हो गया खीर वगैरह बनाने के बाद मैंने रात को किचन से मिटा साफ सुथरा करके फिर हम लोग जी चले गए रूम में तो क्योंकि किचन नीट क्लीन हो रात को तो सुबह को काम करना बहुत आसान होता है बहुत ईजी हो जाता है जब किचन ही बिखरा हो ना तो फिर काम करने को भी दिल नहीं करता और फिर वो उससे अजीब सी ना मैस हो तो उलझन सी होती रहती मुझे तो बहुत ज़्यादा होती तो मैं तो यही करती हूँ कि साथ साथ में अपना किचन को नीट क्लीन रखती हूँ तो बस यही होता ना कि पहले भी खुद ही करना बाद में भी खुद ही करना तो इससे अच्छा आप साथ साथ सारा समेटते रहेंगे ये देखिए इसमें चीनी थी तो चीनी सारी ख़त्म होगी वो ऊपर से और लेके आऊँगी तो अभी के लिए जी ये बस मैंने इसको सारा साफ़ करने के बाद किचन को क्लोज़ कर दिया था और ये है जी नेक्स्ट फ्राइडे का दर दिन क्या तो बहुत पो अच्छी बारिश हुई थी बहुत ही मज़े की बारिश हो रही थी जब यहाँ पर देखें जी मैं अपनी बेटी को तो कॉलेज लेने ले गई थी फिर मैं वहाँ पर थोड़ा देर रुकना पड़ा तो बहुत बारिश स्टार्ट हो गई थी बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन हो गया था फ्राइडे का ना तो जी साथ ही हमारी लाइट गई दो मीटर लगे हुए दोनों लाइट्स ऑफ हो गई तो इतना फिर ना हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे दरवाज़ा मतलब वो जाली वाला खोल के ना तो फिर मैंने कहा अब रात की खीर बनी हुई है तो फिर मैं और मेरा बेटा यहाँ पे देखें हम लोग ना फिर टॉर्च के मतलब रोशनी से सारा काम करें मैंने कहा ख़राब ना हो जाए तो चले पैकिंग करते हैं इसकी तो बहुत शौक है जी बच्चों को ऐसे काम करने का और बच्चों को लगाना भी चाहिए बच्चों में आदत पड़ती है फिर वो, वो ख़ुद भी आगे से उनमें ये शौक़ पैदा होता है कि नहीं भी जो बच्चे माँ बाप को करता देखते हैं फिर बच्चे वही करते हैं ना तो साथ साथ मेरे वो भी करवा रहे थे तो यहाँ पे हम लोग डब्बे पैक कर रहे थे लाइट भी ऑफ थी लेकिन हम लोगों ने माशाल्लाह से करके पैक सारा कुछ बांट दिया था तो बेटे के फ्रेंड भी आए थे उन्होंने भी खाई हमने भी अपने घर के लिए थोड़ी सी रखी थी बस तो फिर जी फ्राइडे की जी शाम है शाम को जी फिर बनना था आज चिकन पुलाव बेटे की फरमाइश पे तो यहाँ पर जी साथ में चिकन पुलाव बना रही हूँ साथ मेरा इरादा था सालन का लेकिन सालन मैंने कहा चिकन या गोश्त वगैरह बिल्कुल नहीं तो मेरे पास पड़े थे जी अरबी के पत्ते पिछले हफ्ते के तो मैंने सोचा कि वो थोड़े से निकाल के उसका बना लेती हूँ सालन साथ होंगे जी पुलाव अरबी के पत्ते की वही सिंपल रेसिपी जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है तो यहाँ पे मैंने जी प्याज़ लिए तकरीबन तीन लिए प्याज़ तो उनको बस हल्का सा लाइट ब्राउन करने के बाद इसमें लहसुन अदरक डालूंगी फिर टमाटर डालूंगी फिर नमक मिर्च मसाला जो भी घर के स्पाइसेस होते हैं वो डालने के बाद फिर जो मैंने अरबी के पत्ते रखे हुए हैं बस वो कट करके तो वो इसमें मैं डाल दूँगी और ये देखें दूसरी साइड पे बन रही है यखनी तो यखनी पे यहाँ पे मैंने जी लिया है तकरीबन एक किलो चिकन है तो चिकन को अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने पानी डाला इसमें इसमें एक मैंने प्याज डाला है और एक लहसुन के बड़ी वाली गट्ठी डाली है साथ ही मैंने जी साबुत मसाला इसमें डाला है नमक डाला है बस अब इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है तो जब ये हमारी यखनी रेडी हो जाएगी तो बाकी फिर इन आगे वीडियो में देखें आप साथ ही साथ जी प्याज ब्राउन हो रहा है साथ ही मैंने लहसन अदरक सब्ज़ मिर्चे वो भी मैंने फटाफट -फ़ड़ से ग्राइंड करके रख लिए तो ये देखिए जी ये हलीम आया था दोपहर को तो इन दिनों में तो माशाल्लाह यही होता है कि कहीं से हलीम आ गया कहीं से हलवा आ गया कहीं से चावल आ गए तो इन दिनों में माशाल्लाह ये काम बहुत ज़्यादा होता है न्याज नज़र व न्याज का जिसमें भी जितनी भी हिम्मत होती है जितनी तोफीक होती है हर कोई अपनी हैसियत से करता है जी तो यहाँ पे देखें जी भी मैंने लहसन अदरक वग़ैरह सब्ज़ मिर्चें ये सारी ग्राइंड करके ये भी रख ली हैं तो मैंने कहा फिर जल्दी जल्दी आसानी हो जाएगी फिर तो सालन तो मेरा तकरीबन रेडी हो गया प्याज़ ब्राउन हो गया उसमें उठा के मैंने लहसुन अदरक डाल देना साथ ही मैं फिर उसमें स्पाइसिस डालूँगी तो, तो ये अरबी के पत्ते का सालन जो होता है ना अरबी के पत्ते जो होते हैं तो ये तो बहुत ही टेस्टी और हमारे घरों में तो बहुत ही लाइक करते हैं ये वाले सालन को ना तो आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें होता थोड़ा मुश्किल है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तो आते ही गर्मी में तो ज़ाहिर सी बात है गर्मी में ही बनने हैं लेकिन फिर मज़ा अभी आता है खाने का तो ये देखे ये मैंने ऐसे इसके पीसेस बना के फ्रीज़ कर लिए थे बॉक्स में अब ये मैं निकाल के इनको बस ये मसाला रेडी मेरा हो गया जैसे आम हम लोग सालन रेडी करते हैं वैसे ही मसाला बना के उसमें हमने ये डाल देने क्यूब्स तो बस इसको हमने हल्का सा हलाना है फिर उसके बाद हमने इसको हल्की आँच पर दम पर रख देना तो बहुत ही मज़े का सालन बनता है तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए ये देखिए जी यहाँ पे फिर हमारी लाइट ऑफ हो गई है तो ये मैं मोबाइल की टॉर्च से बना रही थी वीडियो क्योंकि सालन मेरा बिल्कुल रेडी है तो अभी चावल मैंने रखने थे तो शाम भी हो रही है लेकिन ये कि अभी वेट कर रहे थे लाइट का कि चले लाइट आ जाए तो उतनी देर तक जी फिर मेरे बेटे ने चेक किया कि दूसरी लाइन आ रही है तो फिर हमने चेंज ओवर कर दिया साथ ही मेरी बेटी भी किचन में आ गई जी उसने भी एंट्री मार दी और उसने आके थोड़ा सा चिकन बचा था तो वो कैसे बचा रह जाए जी उसने आके तिखा मसाला लगा के रख दिया तो जी लाइट बंद में फिर मैंने फटाफट से प्याज ब्राउन किया जब प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो गया तो फिर उसमें मैंने जो यखनी में से चिकन निकाला था वो उसको फ्राई किया साथ ही मैंने टमाटर दो डाले साथ ही मैंने साबुत मसाला डाला है और बाकी जो स्पाइसेस होते हैं पिसी हुई मिर्चें डाली हैं नमक डाला है ये डालने के बाद फिर मैंने जो यखनी रखी थी ना साइड पर फिर वही इसमें डाल दिया चिकन पहले फ्राई कर लिया था फिर यखनी वही पानी जो है ना वो ये यखनी है साथ ही मैंने चार पाँच सब्ज़ी मिर्चें डाल दी थी नमक चेक किया नमक थोड़ा कम लगा साथ ही मैंने एक हाफ क्यूब मेरे पास पड़ा था चिकन क्यूब पहले मैं डालना भूल गई थी तो फिर बाद में मैंने वो भी डाला तो बहुत मजे का पुलाव बना था काली मिर्चियाँ जो वो मैं एंड पे डालूंगी जब थोड़ा सा पानी रह जाता है ना तो फिर मैं डालूंगी जी इसमें पसी हुई काली मिर्चें तो ये फिर जी बन जाएगा काली मिर्चों वाला यखनी वाला पुलाव जो कि मेरे बेटे का मेरे सारे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं हाँ अगर बिरयानी बनाऊँ तो वो मेरा छोटा बेटा नहीं खाता वो बहुत अजीब सा फील करता है कि ये क्या आपने खलारे वाले चावल बना लिए फिर मुझे ये होता है कि जब इतनी मेहनत करनी इतना हज़ार से बात खर्चा होना तो भी वो चीज़ बनाना जो सारे बच्चे खा ले, ले। जी फिर मेरी सफाई यहाँ पर शुरू होगी तो जैसे जैसे काम हम लोग करते हैं ना साथ साथ हमें किचन की सफ़ाई का भी उतना ही ख्याल करना पड़ता है ये काम आसान नहीं होता दिन में दस दफ़ा तो पहले चूल्हे को साफ़ करो शेल्फ़ें साफ़ करो बर्तन समेटो फिर कहीं जाके एक वीडियो शूट होती है फिर आप लोगों तक ये पहुँचती है जो कि छः सात मिनट की वीडियो होती है ले जी यहाँ पे फिर थोड़ा सा पानी रह गया था फिर मैंने इसमें इस पिसी हुई काली मिर्चें डाल दी हैं हाफ चम्मच डाला है तकरीबन ज़्यादा भी नहीं डालनी कि बिल्कुल ब्लैक चावल हो जाए अब इनको मैंने जी रख देना दम पे तो यहाँ पे हो जी दही भल्ले तैयार हो रहे हैं तो ये मेरे पास ये पड़े थे तो मेरे पास जी पैकेट पड़ा था ये बूंदी का जो दही भले में डलती है तो मैंने कहा इसको तो मैं भिगो के रखूँ आलू मैंने बॉईल करके पहले से रखे हुए हैं तो बस ये फटाफट से अब हमने दही भले रेडी करने हैं तो इसको बस हमने पाँच दस मिनट ही भिगोना होता है क्योंकि ये फ़ौन से ये सॉफ़्ट हो जाती हैं तो आलू भी मैंने बारीक बारीक काट के रखे हुए हैं टमाटर भी काट लिए प्याज भी काट लिया तो जी अब इसके बाद बनेगी पुदीने की धनिए की और सब्ज़ मिर्चों की चटनी लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये शाम का मंजर है ये देखे जी बेटे के फ्रेंड आए थे तो उन्होंने समोसे मंगवाए सबसे पहले तो मैंने खीर सारी तकसीम कर दी है और बेटे के फ्रेंड आए थे फिर ये देखे जी उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह समोसे वगैरह मंगवा के तो खा के वो बैठे हैं साथ ही फिर जी खीर का डब्बा ले गया बेटा ड्राइंग रूम में तो जी माशाल्लाह बच्चों ने वो फुल डब्बा फिनिश करके भेज दिया जी अंदर तो बहुत मज़े की बनी थी और बहुत अच्छी बनी थी बहुत तारीफ़ की बच्चों ने तो मैं कहती दिल खुश हो गया चीज़ ऐसी बनानी चाहिए ऐसी तकसीम करनी चाहिए जो कि हम 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 भी शौक़ से खा सके हमारे बच्चे भी लाइक करते हो ना जो वो चीज़ हमें बांटनी चाहिए तो जी टिक्का मसाला मेरा रेडी हो गया तो इसकी मैरिनेशन करके रखी हुई है बस एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना और बाकी जो आपको पता है अक्सर मेरी वीडियो में चिकन टिक्का तो लाजमी बनता है तो सिंपल सा ऑयल डालने के बाद बस इसको हमने इसमें सिर्फ़ हल्का सा फ्राई करना है और इसको हमने थोड़ी देर के लिए दम पर छोड़ देना तो बहुत मज़े का बनता है और आप मैं कहती कुछ ना भी हो ना तो आप बस इसको सिंपल ऐसे बना के रोटी के साथ खाएं बहुत मज़े का बनता है बहुत टेस्टी बनता है तो यहाँ पे देखें जी फिर मेरा यखनी पुलाव रेडी हो गया अगर आपको अच्छा लग गया है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा साथ ही जी मैंने दही को फेंटा लगाया फटाफट से साथ ही मैंने पुदीने की चटनी बना के रखी हुई है तो ये डाली और इसके साथ ही जी अब मैं डालूंगी बाकी चीज़ें जो है मतलब प्याज टमाटर सबसे पहले आलू डाले बॉईल किए हुए फिर प्याज डाला फिर जी टमाटर डालूंगी और इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा ज़ीरा तो जी यहाँ पे चिकन टिक्का भी मेरा वो जो उसमें दही वगैरह का था ना जिसमें मैंने ये मेरीनेशन की थी वो जब ड्राई हो गया तो साथ ही मैंने कोयला भी रखा हुआ था और इसको अब जी हम देंगे धुआँ धार सी एक लुक बारबिक वाली ना फिर हमारा बन जाएगा जी बार्बिक टिक्का नहीं जी हमारा बारबी टिक्का भी रेडी हो गया है तो माशाल्लाह माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा बना था और फ्राइडे का दिन तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होता है और पाँच मुहर्रम की नियाज भी अभी तकसीम की तो दिल इतना मतलब अच्छा लग रहा था ना कि नियाज तकसीम करने के बाद बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही थी तो बल्कि घर का काम अगर करें हमें इतनी ज़्यादा होती है लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह जब हम लोग नजरों नियाज करते हैं तो हमें बिल्कुल फील नहीं होता कि हमने कोई काम किया है तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और मज़ीद हिम्मत दे कि हम अच्छे से अच्छा नज़र व न्याज करें इन दिनों में जितनी हो सके ना हमें ये न्याज ज़रूर देनी चाहिए तो खाना अगर आपको मेरा अच्छा लगा तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में बताएं आप मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें तो बच्चों ने खाना खाया बहुत अच्छा लगा तो क्योंकि बेटे की तो ये मोस्ट फेवरेट है ना पुलाओ ये वाला तो बाकी बच्चे भी शौक से खाते हैं लेकिन मेरे बड़े बेटे का तो बहुत ही फेवरेट है यहाँ पे जी फिर मैंने अदरक थोड़ा सा छिड़का ऊपर से सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और ये देखिए जेरवी के पत्ते का सालन है और ये जो मैंने खीर बनाई थी वो है तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी अल्लाह हाफिज़ बाय बाय